भाई ये गाड़ी ना बलैरो मेरे आगे आगे थी और इसमें एक ही बंदा था और ये ना 5 मिनट हुए इसको पलटे हुए और यकदम गाड़ी जो बाहर निकल गई। तो अभी ट्रैक्टर वगैरह जो मंगवाया उससे खींच के तो इसको सीधी कर रही है। सामने देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो भाई आपका स्वागत है मेरे दोस्त भाई। आज हम लोग रांची जा रहे हैं, छोटा सा ब्लॉग कर रहे हैं। आज हम लोग ब्लॉग करने का मन नहीं करता भाई, रोज कम ब्लॉग करता हूँ। आपका प्यार देख के ब्लॉग करने का मन जो कर जाता है। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे रास्ते में जैसा भी रहेगा तो आपके साथ पक्का शेयर करूँगा। ब्लॉग के एंड तक बने रहना, जैसा भी रहेगा तो आपको बताता हूँ। फाइनली भाई यहाँ से निकल चुका हूँ और अभी ना बड़ी गर्मी है यार, आपको क्या बताऊँ। लेकिन अभी ना मतलब 2-3 दिन पहले इधर लगातार बारिश रही और उसकी वजह से ना गर्मी जो है वो कम हो गई है, लेकिन फिर भी मौसम जो है बहुत अच्छा है। और अब यहाँ से निकलते हैं और आगे देखते हैं कि अपना सुंदरबनी का या पौनी का, रियासी का, राजौरी का कैसा मौसम है और आपके साथ भी शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर भाई इतनी बारिश के बाद ना अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आगे देखते हैं कैसा रहता है, कैसा मौसम है। तो अभी सबसे पहले ना घुमाएंगे पेट्रोल, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। टाइम हो गया है आपको बताऊँ, हमें टाइम क्या हुआ है, 1:21 हो गए हैं। तो फाइनली गाइस पेट्रोल पंप पे पहुंच गया हूँ। तो अभी कोई गाड़ी आ गई, इसमें स्कॉर्पियो में डालता हूँ। तो यहाँ से डलवाते हैं पेट्रोल और उसके बाद फुल पावर यहाँ से निकलते हैं और जैसा भी रहेगा तो आपको बताता हूँ। गाइस ऐसा करते हैं ना, टैंकी को फुल करवा देते हैं क्योंकि राजौरी जाना है, तो शाहदरा शरीफ आगे पीछे और भी घूमना, तो बार बार पेट्रोल पंप पे कौन रुकेगा। तो इसकी टैंकी फुल करवाते हैं, हर बार जो है टैंकी वो फुल होती है 2500 में। तो इस बार भी देख लो 2510 रुपये में जो है हमारी टैंकी फुल हो चुकी है। आगे देखते हैं कैसा रहता है। सारे कमेंट करके बताना कि मेरे 22 लोग कैसे हैं और सबको हैप्पी ईद एडवांस में। और आपको वीडियोस वगैरह जो है वो कैसी लग रही हैं आजकल, मतलब बहुत कम ब्लॉग बनाता हूँ, जो भी आती हैं तो आपको कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो यार कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और बने रहना ब्लॉग में। भाई ना मेरी गाड़ी ना ठुक गई थी पीछे, श्रीनगर से आते तो उसका शीशा भी ना जो क्रैक हो गया है और शीशा जो है वो मैंने अभी ढुकवाया नहीं है, बाकी तो काम करवा दिया था क्योंकि ओरिजिनल शीशा जो था तो MGP का वो मुझे मिला नहीं था, इसलिए पहुँच गया मैं नौ देवियाँ। और ये यहाँ से रास्ता नीचे मंदिर में गया और ये नौ देवियाँ मार्केट है छोटी सी। और यहाँ पर भी ना काफ़ी रश होता है गर्मी में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर भी नहाने की जगह नीचे बनी हुई है। यहाँ पर लोकल रश भी होता है गर्मी में, यहाँ काफ़ी दूर से भी आते हैं लोग, जम्मू वाली साइड से भी, बट लोकल रश भी यहाँ पर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। फाइनली गाइस सुल्ला पार्क में पहुँच गया हूँ और भाई टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। और यार रोड का इतना बुरा हाल है ना, ये सामने देख लो इतना बुरा हाल है रोड का, बताऊँ क्या हो गया, तो क्या अपने रास्ता चलना पड़ता है पहुँचाऊँ सुबह पार्क। 2 बज गए, रात से 1 बजे निकला था, अभी 2 बज गए, 1 घंटा पूरा लगा। पहली गाइस 12 तारीख जो पहुँच गया हूँ और सामने व्यू चेक करो भाई, और ओए 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 भाई मैं कितना तेज जा रहा था,
था और 45 मिनट लगे मेरे को खाना वगैरह खाते, और अभी जो वो 12 तारीख क्रॉस कर रहा हूँ, अब देखता हूँ आगे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आगे भी ना रोड यार बहुत ख़राब है, आपको बताओ ना इतनी ख़राब रोड है ना, ये बात मत पूछो। गाइस सामने व्यू चेक करो तो अभी ना थोड़ी देर में जो है वो हम पौनी पहुंचने वाले हैं, और भाई काफ़ी लेट हो गए हैं और गर्मी इतनी है ना कि बात मत पूछो, और अभी थोड़ी देर में जो है वो पौनी पहुंच जाएंगे, और आगे जो भी रहेगा तो आपको खाऊंगा। यार रोड इतनी ख़राब है ना यार, खड़ 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 ऐसे आवाज आ रही है, मतलब ब्लॉक करने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा चलो फिर भी काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉक कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद, और मैंने सोचा चलो यार ब्लॉक कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस आपका भाई जो पौनी पहुंच गया है, ये सामने छोटी सी मार्केट है लेकिन मस्त मार्केट है, और पौनी पहुंच गया हूँ मैं, और अभी फुल पावर जो है यहाँ से निकलते हैं, और भाई लेट आपको बताऊँगा टाइम काफ़ी हो गया है, और चलो जैसा भी रहेगा तो देखते हैं क्या रहता है। तो भाई मेरे आगे आगे ना ये गाड़ी आ रही थी, और 5-10 मिनट का फर्क पड़ा, और ये सामने देखो पलट के भाई बंदे को नींद लगी है, अगला शीशा जो देखो खोल के तो बंदे को निकाल दिया बाहर। बट यार इतनी मैं बोलता हूँ इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, थोड़ी सी तेज़ होती ना तो इसने सीधा नीचे खाई में जाना था, लेकिन गाड़ी थोड़ी आस्ता थी और बंदा ना बाल बाल बच गया, शुक्र है अल्लाह का। और अभी ना ट्रैक्टर को मंगवाया है ये सामने, और ट्रैक्टर के साथ बांध के ये रस्सा बांध दिया, अभी ट्रैक्टर के साथ जो है बांध के तो इसको सीधा किया है, और ये सामने देखो ट्रैक्टर, और ये कर बिना यहाँ पर ना बलैरो पलट गई हुई थी, और मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कि नुकसान कुछ नहीं हुआ, सिंगल बंदा ही बैठा हुआ था बीच में, और गाड़ी पलट गई। फिर वहाँ पर जैसी गाड़ी पलटी, वहाँ मैंने सुना पूछा, मैंने वो बोल रहे जैसी गाड़ी पलटी तो पीछे से बाइक आ रही थी, उन्होंने जल्दी जल्दी बारी खोली और बंदे को बाहर निकाल दिया, बंदे को कुछ भी नहीं हुआ बोलता, मतलब थोड़ी सी दब लगी है, और नई गाड़ी थी बोलता है 1.5 महीने जो है वो निकाले हुए हुआ गाड़ी को, और भाई मतलब ना बंदा बाल बाल बच गया, और बड़ा गंदा एक्सीडेंट था। अभी बोल रहा था मैं आस्ता था, अगर मैं होता तेज़ तो पता नहीं क्या होता। तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी गाड़ी चलाते हो भाई इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाया करो, मतलब अपने घर वालों की तरफ बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ कुछ भी, तो ध्यान रख के तो चला करो भाई, मतलब बाल बाल बच गया बंदा, बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ था यार। अगर थोड़ी सी गाड़ी तेज़ होती ना तो उसके आगे नीचे नाला था, तो गाड़ी ने सीधा नाले में चले जाना था। फाइनली गाइस सुंदर बनी कर दिया क्रॉस, और भाई आगे ना शीशा इतना गंदा हुआ है ना, दूर पड़ी हुई है, और उसमें ना वो जो टंकी सी लगी होती है आगे उसमें पानी हो गया हुआ ख़त्म, और वाइपर जो है वो सूख के किस तरह चलाएं, शीशा बहुत गंदा हुआ है, और अभी कहीं आगे ना पानी मेरे को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे ना कुछ मिलने रहा, और रोड की हालत देखो ना क्या खड़ा करना, इसलिए ना मैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से इंजॉय ले रहा हूँ, अगर कुछ अच्छा आएगा आगे तो बताऊंगा, जैसा भी रहेगा भाई। गर्मी ना इधर भी ना हर किस्म की गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है यार, मैंने सोचा इधर ना थोड़ा मौसम ठंडा होगा, लेकिन इधर भी वैसे ही हाल है कटरा जैसा ही। तो भाई रोड का ना इतना बुरा हाल है कि आपको क्या बताऊँ, सामने देख लो और खुद ही चेक कर लो तो क्या हाल है, तो इधर क्या ब्लॉक करना यार, गाड़ी चलाऊँ या ब्लॉक करूँ, क्योंकि हाथ को भी दर्द है यार, तो काफ़ी ना मुश्किल होता है ब्लॉक करना, तो फिर भी ना आपके लिए जो आप हो भाई कुछ ना कुछ कर ही लेता है आपका भाई, तो चेक करो भाई सामने बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है रोड पर, और अभी जो आपका भाई जो वो निशारा पहुँचने वाला है, और टाइम चेक करवाता हूँ आपको, टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया 5:01, आप खुद ही चेक कर लो, ये सामने देख लो 5:02 हो गए हैं टाइम, और आपका भाई जो पहुंचा वो नौशहरा, और 1 बजे में वहाँ से 1:30 वहाँ से निकला था। तो भाई आपको बताऊँ ना कि इतना बुरा हाल है ना रोड का कि बाप ही मत पूछो, इसलिए थोड़ा रास्ता ना ये देखो सामने धूल और मिट्टी, मतलब पूरी रोड ना बीच से थोड़ी ठीक है, बाकी गंदी है पूरी रोड, देख सोच समझ के चल
चलना पड़ता। मैं आपको भी बोलूँगा भाई बहुत आस्था चला करो और चलो, जहाँ तक भी साथ रहेगा तो आपको बताऊँगा कैसा है क्या है। भाई अभी ना पहुँच गए हम शहरा में, टाइम कहाँ पहुँचना है मैंने, अभी टाइम हो गया है 5:30 और सामने चेक करो व्यू गाइस, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और मेरी गाड़ी का ना, अगर गाड़ी ना मेरी ठुकी थी ये सामने देख लो, शीशा भी ना जो है वो टूट गया हुआ है। बाकी तो तो भाई अभी थोड़ी ना देर में रजौरी पहुंच जाऊंगा, कोई 10 मिनट के बाद, और ना जो भी रहेगा तो आपको बताता हूँ भाई। पहुंचने वाला हूँ अभी। फाइनली गाइस पहुंच गया हूँ राजौरी में, ये सामने देख लो पुलिस लाइन है और अभी यहीं पे देखते हैं, अभी थोड़ा मौसम भी ख़राब होने वाला है तो व्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। ये सामने रहा ईद का और राजौरी पहुंच गया हूँ मैं। शेयर लाइक कमेंट करना और अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर।